तो हेलो जी, स्वागत है आपका मयंक भाई झांसी में। अपल्लू लेके आ चुके हैं एक और न्यू ब्लॉग। भाई अपल्लू आए हुए अभी सीपरी बाजार और आपको सीपरी बाजार की दुर्गा जी दिखाते हैं। अभी यहाँ पर रास्ता बंद है तो चल के आगे से दिखाते हैं, आइएगा। अभी आपको एक दुर्गा जी के दर्शन करा दिए हैं और अब चलते हैं आपको और दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं, आइएगा। और भाई सीपरी बाजार में पंडालों की सजावट बहुत सुंदर की गई है, बहुत ही प्यारी। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। अभी अपन लोग है भाई सीपरी बाजार में चवनगंज में, बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है। सिंगार भी माता का बहुत प्यारा कर रखा है, सजावट भी पंडाल की बहुत प्यारी कर रखी है। अभी हो चुकी है आरती, आपको काफी सारी सीपरी की दुर्गा जी के दर्शन मिलने वाले हैं। चलिए आपको और दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। अपन लोग आ चुके हैं गुरुद्वारे पे, अब इस साइड की माता दिखाते हैं आपको, आइएगा। अपन लोग आ चुके भाई सीपरी बाजार में छोटी माता मंदिर, आपको कराते हैं दुर्गा जी के दर्शन, आइएगा। यहाँ पे बैठी है दुर्गा जी, बहुत ही प्यारी पगड़ी बंधी हुई है दुर्गा जी बैठी है छोटी माता मंदिर पे और बहुत सुंदर लग रही है। चलिए आपको और दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं मसियागंज सीपरी बाजार में और बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है, जो खासकर माता की पोशाक है ना व्हाइट कलर की है, पूरी बैकग्राउंड भी व्हाइट कलर का दिया ना, बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत सुंदर माता बैठा रखी है। एक बार आप पंडाल देखिए माता का, बहुत प्यारा लग रहा है। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा सीपरी बाजार की। अपन लोग आए हुए लाल मस्जिद के बगल में, अभी अपने सामने भाई दुर्गा जी बहुत ही प्यारी बैठी हुई है, दुर्गा जी के साथ है दो शेर, बहुत प्यारी लग रही है माता। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं कारगिल पार्क और कारगिल पार्क की दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है, काफी सारी माता बैठाते हैं अलग अलग रूप में, बहुत सुंदर लगता है। और अभी यहाँ पे दिखाना तो पूरे में भाई मेला लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर। आपको माता के दर्शन कराते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ है आगे जाने के लिए। बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है और बहुत ही बड़ा पंडाल है ये, देखिए आप। अभी आपको और माता दिखाने आ चुके हैं भाई, दर्शन कराते हैं, आइएगा। भाई सामने बैठी है माता पंडाल में। अपन लोग जो आपको माता दिखा रहे हैं गोंदू कंपाउंड की माता है, आप माता के दर्शन कर लिए। चलिए आपको चलते हैं और भी माता दिखाते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अपन लोग आ चुके हैं ध्यानचंद स्टेडियम पे, अब आपको यहाँ की दुर्गा जी दिखाते हैं। अपने सामने रही माता, बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है। माता का जो पंडाल है विश तौर पर बहुत प्यारा सजा रखा है। अभी माता के भाई भजन चल रहे हैं, चलिए अपन लोग चलते हैं और दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। अभी हाथियाताल चल रहे थे अपने बड़े बाजार की साइड, और भी दुर्गा जी दिखाने अपन को मिल चुकी है एक और दुर्गा जी, आपको दर्शन कराते हैं, आइएगा। अपन लोग आ चुके हैं भाई अभी आशिक चौराहे पे, अब आपको आशिक चौराहे की दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं, आइएगा। अपन लोग आ चुके हैं आशिक चौराहे से, पुरानी वाली तहसील जाते ना वहीं पे, और यहाँ पर भी पंडाल की सजावट बहुत प्यारी करी गई है। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं सुभाषगंज, अब आपको कराते हैं दुर्गा जी के दर्शन, आइएगा। और फिर चले गए अपन लोग मुन्नालाल की काली जी दिखाने, आइएगा। सुभाषगंज में बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है, माता का जो श्रृंगार है बहुत सुंदर करा गया है, अभी बट रहा है प्रसाद। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं और काली दिखाते हैं, आइएगा अपने शहर की। और अब चल रहे हैं भाई मुन्नालाल की काली दिखाने, आइएगा। और भाई बहुत जय माई की भाई, जय माई की भाई, जय माई की। चलिए अपन लोग अंदर चलते हैं, और सजावट तो बहुत भव्य करी गई है भाई। एंट्री गेट इस प्रकार से है और लाइटिंग बहुत प्यारी की गई है और बहुत ही प्यारी सजावट के साथ बहुत ही प्यारी काली जी बैठा रखी है, मुन्नालाल की काली जी के नाम से फेमस है। बहुत सुंदर सजावट करी गई है मटकी के साथ। एक बारी पूरे गार्डन में देख लो, बहुत प्यारी सजावट की गई है। चलिए आपको और भी दुर्गा जी दिखाते हैं और काली दिखाते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं छनियापुरा, अपने सामने भाई काली जी और बहुत ही प्यारी काली जी बैठी हैं, बहुत ही सुंदर। अभी आपको करा रहे हैं काली जी के दर्शन और काली जी बहुत प्यारी बैठी है, मुकुट भी बहुत प्यारा है और श्रृंगार भी बहुत प्यारा किया गया है। अपन लोग फिलहाल है अभी छनियापुरा में, अब आपको छनियापुरा की काली जी के दर्शन करा रहे हैं, बहुत ही प्यारी काली जी बैठी है, श्रृंगार बहुत प्यारा करा गया है काली जी का, और काली जी की माला खासकर बहुत प्यारी लग रही है, फूलों की बहुत सुंदर गेंदा के फूल की माला है। आपको और भी काली जी और दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं, अभी जो काली जी के दर्शन कराए हैं वो आएंगी छनियापुरा की काली जी, अभी आपको दुर्गा जी के दर्शन कराते हैं, आइएगा। और काफी प्यारी प्यारी दुर्गा जी और काली जी बैठा रखी है। अभी अपन लोग हैं छनियापुरा में, अब आपको दुर्गा जी के दर्शन करा रहे हैं और बहुत ही प्यारी दुर्गा जी बैठा रखी है, वो भी झूले पे बैठी हैं दुर्गा जी, बहुत सुंदर लग रही हैं। ये देखिए आप कितनी प्यारी सजावट की गई है लाइटिंग के साथ और पंडाल के साथ, दुर्गा जी झूले ही झूल रही और बहुत प्यारी लग रही हैं ये माता। यहाँ पे देखिए बहुत प्यारी पंडाल की सजावट की गई है, बहुत ही सुंदर। और अपने सामने बैठी हैं काली जी, काली जी पे जो पगड़ी बन चुकी है ना
ना ब्लैक और व्हाइट कलर की, बहुत प्यारी लग रही है भाई। लोग माता की सेवा में लगे हुए हैं लगातार। चलते हैं और भी आपको दुर्गा जी दिखाते हैं, आइएगा। अभी भाई ने अपन को काफी सारी दुर्गा जी और काली जी के दर्शन कराएंगे। भाई अभी प्रसाद खा रहे हैं। इन्होंने काफी प्यारी प्यारी दुर्गा जी और काली जी अपन को बताई है, कहाँ पे बैठी है अंदर गली में जाके। अपन तो पहुँच नहीं पाते, लेकिन अपने भाई लोग हैं जो अपन को बता देते हैं माँ के द्वार तक पहुँचने का रास्ता। बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई आपका। चलते हैं भाई, जय माई की। एक बारी कमेंट में भाई जय माई की जरूर लिखना, और इस वीडियो को व्हाट्सएप, स्टेट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और साथ ही साथ अपने समिति में, मोहल्ले में और कॉलोनी में और झांसी के हर व्यक्ति को शेयर करना इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। चैनल को लो सब्सक्राइब, वीडियो को लो लाइक। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। खत्म, टाटा बाय बाय।